गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में जो अपना पीटी फर्स्ट का सिलेबस है उसी का रिवीजन वर्क करेंगे। पीटी फर्स्ट में आपके सिलेबस आपको मिल चुका है जिसमें आपके चैप्टर्स आ रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका क्या था? संज्ञा। सेकंड था सर्वनाम। थर्ड विशेषण। फोर्थ समास। और फिफ्थ कारक। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा क्या था? संज्ञा। संज्ञा के बारे में हम क्या पढ़ेंगे स्वयं? संज्ञा की सबसे पहले तो हम परिभाषा पढ़ेंगे। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाते हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा के शब्द कहलाते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था संज्ञा के कितने भेद होते हैं। मुख्य तीन भेद होते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा के अनुसार उनमें दो भेद और शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड जातिवाचक। थर्ड हमारा क्या था? भाववाचक। उसके बाद में हमने समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इन दो भेद को शामिल किया था। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है इसमें? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो गया है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, या जैसे आपको दे रखा है लाल किला है, या मुख्य शहर का नाम दे दिया है, जयपुर है, दिल्ली, आगरा है, ये सारे हमारे किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा में स्टूडेंट वे शब्द जो किसी जाति या वर्ग का बोध करवाते हैं, जैसे है इसमें आपको दे दिया नदी। अब इसमें कोई विशेष नदी का नाम नहीं बताया, ओनली नदी दिया है। नदी में उसकी आपको क्या है? जाति बताई गई है। कौन सी जाति है नदी? पहले तो हमें ये देखना होगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे नदी हमारा किसका है? स्त्रीलिंग का शब्द है। तो इसमें नदी का प्रयोग हुआ है इसमें, तो वो क्या है? हमारे कोई विशेष नदी नहीं बताई गई, नदी में कोई भी नदी हो सकती है। तो ये हमारे क्या होता है? जातिवाचक में आ गया। पुस्तक है, अब पुस्तक में कोई स्पेशल पुस्तक, विशेष पुस्तक का नाम नहीं दिया गया है, का रामायण है या महाभारत है, उसमें कोई भी पुस्तक हो सकती है। तो ये ऐसे सारे शब्द हमारे किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड क्या था? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या था इसमें? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव और दशा का बोध करवाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे है किसी व्यक्ति का भाव है, किसी में लड़कपन का भाव होता है, किसी में स्नेह का भाव होता है, किसी में बुढ़ापे का भाव होता है, किसी में बचपन का भाव होता है। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में। उसके बाद हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या है? उसके किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जाति के समूह का बोध करवाया जाता है या समुदाय का बोध करवाया जाता है। जैसे उसमें एग्जाम्पल में दे रखा है, जैसे आपको भीड़ है, जनता है, तो उसमें स्टूडेंट क्या है? आदमी के समूह का बोध करवाया गया। अब भीड़ एक व्यक्ति से कभी भीड़ नहीं होती है, बहुत सारे लोग होते हैं तब क्या होता है? वो भीड़ कहलाती है। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है? वे शब्द जो किसी द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध करवाते हैं। द्रव्य में इसमें जैसे लिक्विड चीजें हो गई है, जैसे दूध है, घी है, तेल है, पानी है, शरबत है, जूस है, दूध है, ये सारे हमारे किस में आते हैं? द्रव्य पदार्थों में आते हैं। और हमारे क्या है? किसी पदार्थ का नाम बताए इसमें, जैसे है लकड़ी है, सोना है, धातु है, ये सारे क्या आते हैं हमारे इसमें? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो ये हमारा संज्ञा का चैप्टर था जिसको मैंने आपको शॉर्ट रूम में बताया है, जो हमने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको मुख्य भेद क्या होते हैं और इन्हीं से हमारे क्या है? अलग अलग शब्द बनते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनना, जातिवाचक से भाववाचक बनना, ये हमारे संज्ञा के भेद बताए जाते हैं। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर हमारा था सर्वनाम का। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे हमने व्यक्तिवाचक में लिया था राम, राम एक व्यक्ति का नाम बताया गया है, ये हमारा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी के स्थान पर हम जैसे वह या उस, या इसमें मैंने बताया है जैसे यह, ये शब्द है, यह है, वह है, ये सारे शब्द हमारे सर्वनाम के शब्द होते हैं जो हम किसी
व्यक्ति के नाम के आगे है, किसी स्थान के नाम के आगे है तो वो लगाते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे काम आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम के हमने कितने वेद पढ़े थे, सर्वनाम के मुख्य 6 वेद होते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकेंड हमारा निश्चयवाचक, थर्ड हमारा अनिश्चयवाचक, फोर्थ हमारा प्रश्नवाचक, फिफ्थ हमारा संबंधवाचक और सिक्स हमारा निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 वेद होते हैं, सबसे पहले उत्तम पुरुष, सेकेंड हमारा मध्यम पुरुष और थर्ड हमारा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, बोलने वाला व्यक्ति। सबसे पहला काम किसका होता है, बोलने वाले व्यक्ति का। जब मैं बोलूंगी, ये अभी बोलने वाला व्यक्ति कौन है, मैं हूँ, मैं बोलूंगी तभी तो आपकी क्रिया शुरू होगी सुनने की। तो बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो हमारे किस में आते हैं, उत्तम पुरुष में। जैसे अब मैं है, मैं मेरे लिए कौन कौन से शब्द करूंगी यूज, मैं, मेरा, मुझे, मुझको। तो बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो हमारे किस में आते हैं, उत्तम पुरुषवाचक में आते हैं। सेकंड हमारा क्या था, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है, बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप क्या हो गए, मध्यम पुरुष। आप मध्यम पुरुष है, अब आप मध्यम पुरुष हो, मैं आपके लिए कौन से शब्द प्रयोग करूंगी, तुम, तुम्हारा, आप, आपको, यही शब्द करूंगी। तो बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो हमारे किस में कहलाते हैं, मध्यम पुरुष में कहलाते हैं। और थर्ड हमारा क्या था, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है, इसमें बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले के लिए न करके अन्य के लिए करता है। जैसे मैं हूं, मैं कौन हो गई, वक्ता, बोलने वाला व्यक्ति। आप कौन हो गए, श्रोता, सुनने वाले व्यक्ति। मैंने आपके लिए न करके अन्य के लिए पूछा है, वो क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। जैसे मैं पूछ रही हूँ उसका नाम क्या है, तो उससे शब्द दे रखा है तो वो क्या है, अन्य पुरुष के लिए आ जाता है। क्लियर हो गया सबको, फर्स्ट कौन सा था, उत्तम पुरुष, सेकंड था मध्यम पुरुष और थर्ड था अन्य पुरुष। अब मैंने पूछा वह कौन है, मैं किससे पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ, किसके लिए, अन्य के लिए। तो मैंने आपके लिए प्रयोग नहीं किया वो शब्द, किसके लिए किया, अन्य के लिए, तो वो क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद सेकंड आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, इसमें वे सर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। जैसे निश्चित वस्तु है, जैसे यह ब्लैक बोर्ड है, ये निश्चित हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये डस्टर है, ये मार्कर है, ये क्या है, ये जो भी है काला पेन है, जो चीजें हैं वो जो हमें निश्चित सामने दिखाई दे रही है, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है, वो हमारे क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके लिए हम क्या करते हैं, यह है और वह यूज करते हैं। जैसे हमारे पास में, तो हमने कह दिया ये है क्या है, दूर है मुझे, सामने दिखाई दे रहा है, तो मैं कह दूंगी वह क्या है, यह है, वह है, ये शब्द सारे क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। थर्ड हमारा क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में स्वयं वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चित वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं, जैसे कोई, कुछ। अब अनिश्चित में हो गए इसमें, जैसे मैंने कहा है आपसे कोई आया है, उसमें निश्चित नहीं है कौन आया है, मम्मी आई है, पापा आए हैं, कोई पुरुष आया है, कोई स्त्री आई है, कोई बच्चा आया है, निश्चित नहीं है, कोई में कोई भी हो सकता है वो, तो वो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दूध में कुछ गिरा हुआ है, दूध में कुछ गिरा हुआ है, उसमें हमें निश्चित नहीं बताया गया है दूध में मक्खी है, मच्छर है, तिनका है, कागज है, क्या गिरा हुआ है, वो निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है दूध में, तो वो क्या हो गया, कुछ है, कोई है, ये सारे हमारे किस में आते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भेद बताए गए। उसके बाद हमारा थर्ड क्या था, उसके बाद सॉरी फोर्थ हमारा था प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इन वाक्यों के हमेशा लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं आता है तो वो अनिश्चयवाचक का भी हो सकता है और अन्य का भी हो सकता है। अगर प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो उसे प्रश्न पूछने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, जैसे वह क्या कर रहा है, और इस सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, प्रश्नवाचक का चिन्ह आता है। अगर प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं आता है
तो स्टूडेंट वो वाक्य हमारा प्रश्नवाचक का नहीं है। क्लियर हो गया सबको? उसके बाद हमारा संबंध वाचक है। संबंध वाचक में क्या होता है स्टूडेंट, जो दो संज्ञा शब्दों या दो अन्य सर्वनामों में संबंध बताए जाते हैं या दो वाक्यों में संबंध करवाते हैं, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अब मैंने ये शब्द बताया, ये जैसी और वैसी ये शब्द हमारे क्या बता रखे हैं, ये सर्वनाम के शब्द हैं। जैसा वैसा, जिसकी उसकी, तो ये सारे हमारे शब्द क्या आते हैं इसमें, ये हमारे संबंधवाचक में बताए जाते हैं। इसे संबंध बताया जाता है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध होता है या एक सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से भी हो सकता है। तो ये संबंध बताने वाले शब्द क्या वो कहलाते हैं, हमारे संबंध बोधक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट था निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिसमें कर्ता, कर्ता यानी काम करने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। अब हमने पुरुषवाचक में भी पढ़ा था, पुरुषवाचक का फर्स्ट पढ़ा था उत्तम पुरुष, जिसमें क्या है, बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, और इसमें काम करने वाला कर्ता कौन हो गया। अभी जैसे है कौन, कर्ता कौन है, काम करने वाला कौन है, मैं क्या कर रही हूँ, आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ। तो कर्ता, काम करने वाला अपने स्वयं के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग करता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं स्वयं लिख लूंगी, मैं खुद चली जाऊंगी, मैं अपने आप पढ़ लूंगी, तो काम करने वाला व्यक्ति, जाने वाला व्यक्ति कौन था, मैंने अपने लिए क्या यूज किया, मैं खुद चली जाऊंगी या मैं स्वयं पढ़ लूंगी या मैं अपने आप चली जाऊंगी या मैं अपने कपड़े खुद धो लूंगी। तो ये सारे है निजवाचक सर्वनाम के शब्द होते हैं, अपने आप है, खुद है, स्वयं है, ये सारे हमारे किसके होते हैं, निजवाचक सर्वनाम के भेद बताए गए हैं। उसके बाद में हमारे छह भेद कंप्लीट हो गए हैं सर्वनाम के। थर्ड चैप्टर मैंने आपको क्या दिया था, विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, वे संज्ञा व सर्वनाम, वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण में क्या है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। विशेषता में स्टूडेंट है जैसे सुंदर है, अच्छा है, होशियार है, चतुर है, ये सारे गुण, दोष, रंग, आकार, संख्या, ये सारे किस में आते हैं, हमारे विशेषण में आते हैं। अब विशेषण के हमने चार भेद पढ़े थे। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है इसमें, किसी संज्ञा व सर्वनाम के गुण व दोष के बारे में बताया जाता है गुणवाचक में। अब जैसे है चतुर है एक गुण है, होशियार है एक गुण है, दोष में हो गया चोरी करना है स्टूडेंट है, या यह है लड़कपन का है, तो ये सारे क्या हो गए, दोष हो गए। रंगों के नाम है, जितने भी कलर्स के नाम होते हैं स्टूडेंट, लाल, पीला, हरा, गुलाबी है, ये सारे किस में आते हैं, गुणवाचक में आते हैं। किसी व्यक्ति का आकार है, किसी वस्तु का आकार है, जैसे मोटा है, पतला है, लंबा है, विशाल, ये सारे हमारे किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। रंगों के नाम है, आकार है, अवस्था है, गुण है, दोष है, ये सारे हमारे किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। उसके बाद में हमारे किस में आते हैं, सेकंड पॉइंट था संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें हम ऐसे वस्तुएं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे पुस्तक है वो हम काउंट कर सकते हैं, सेब है, पेन है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, वो सारी जो काउंटेबल चीज़ें होती है वो संख्यावाचक विशेषण में आती है। अब संख्यावाचक में दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है इसमें, उसमें निश्चित संख्या बताई जाती है कि जैसे चार है, पाँच है, दस है, ये सारी निश्चित संख्या होगी। अनिश्चयवाचक में उसकी कोई निश्चित संख्या नहीं हो सकती, उसमें थोड़ा या ज़्यादा ये भी हो सकता है या कुछ हो सकता है। जैसे मैंने कुछ पेंसिल खरीदी, अब कुछ में स्टूडेंट कितनी भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, दस भी हो सकती है, सौ भी हो सकती है, तो ये हमारे क्या होता है, अनिश्चय संख्यावाचक में हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में हमने क्या पढ़ा था, वे शब्द या वे जो वस्तुएं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, नाप और तोल सकते हैं, जो काउंटेबल नहीं होती है, जिसको हम नाप और तोल सकते हैं, वो किस में आती है, परिमाणवाचक विशेषण में आती है। उसके भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे स्टूडेंट है चावल है,
चावल कौन क्या है, काउंट नहीं कर सकते, एक चावल, दो चावल, तीन चावल, वो क्या है, हम उसको नाप और तोल सकते हैं, जैसे एक किलो है, दो किलो है। दूध है, दूध को हम एक दूध, दो दूध नहीं बोल सकते, बल्कि हम उसको एक लीटर है, दो लीटर है, दस लीटर है, पचास लीटर है, तो वो सब हम क्या है, उसको हम नाप और तोल सकते हैं। उसमें भी क्या होता है, इसे जैसे 5 लीटर दूध है वो तो निश्चित हो गया, और जैसे है थोड़ा दूध है वो अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट क्या आता है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा शब्द से पहले आते हैं, यह चिड़िया, यह चिड़िया बहुत सुंदर है, तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा शब्द से पहले आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वैसे तो यह हमारा क्या है, सर्वनाम का शब्द है, लेकिन हमने क्या है, संज्ञा के स्थान पे नहीं लगा के संज्ञा के आगे लगाया है, उस चीज को संकेत करने के लिए लगाया गया है, यह चिड़िया बहुत सुंदर है, तो यह हमारा क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। क्लियर हो गया सबको। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमने क्या लिया था, कारक। कारक, कारक के हमने भेद पढ़े थे सबसे पहले, तो कारक के हमने मुख्य कितने भेद पढ़े थे, 8 भेद पढ़े थे। सबसे पहला हमारा क्या था, कर्ता कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण पर संबोधन किया है, ये हमने 8 वेद पढ़े हैं। अब कर्ता के साथ में हमेशा क्या लगता है, प्रसंग चिन्ह लगता है क्या, नहीं। लेकिन कई बार हमारे ऐसे वाक्य हो गए जिनमें जैसे वर्तमान काल के या भविष्य काल में हमें उनमें कभी कभी आवश्यकता ही पड़ती है, हमेशा नहीं होती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ये हमारा क्या है, वर्तमान का सेंटेंस है, इसमें हमें राम के साथ में ने की आवश्यकता नहीं हुई है, लेकिन राम ने पुस्तक पढ़ी, ये हमारा क्या है, भूतकाल का भाग्य है, तो इसमें हमारे राम कर्ता के साथ में ने प्रसंग चिन्ह की आवश्यकता हुई है। और राम पुस्तक पढ़ेगा, ये हमारा क्या है, भविष्य काल का है, लेकिन हमें इसमें भी आवश्यकता नहीं हुई है। तो कर्ता के साथ में प्रसंग चिन्ह लगता है, लेकिन हमें भूतकाल में ही आवश्यकता होती है, वर्तमान काल और भविष्य काल में बहुत कम आवश्यकता होती है। फिर सेकेंड हमारा था कर्म, उसके साथ में प्रसंग चिन्ह क्या लगता है, को, कर्ता ने कर्म को, जैसे राम ने पुस्तक को पढ़ा, अच्छा इसमें हमें को की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राम पुस्तक को पढ़ेगा तो इसमें हमें आवश्यकता होती है। तो जैसे जिस वाक्य में, जैसे राम पुस्तक पढ़ेगा, इसमें भी आवश्यकता नहीं हो रही है, तो लेकिन राम मिठाई को खाएगा या राम मिठाई खाएगा, तो हमें प्रसंग चिन्ह की क्या होती है, अगर हमें इसमें पहचान नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, क्रिया से क्वेश्चन करते हैं, क्या जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि जहां हमें को की आवश्यकता नहीं होती, तो हम क्रिया से क्वेश्चन करते हैं क्या, जो हमें आंसर मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। जैसे राम क्या पढ़ेगा, पुस्तक पढ़ेगा, तो पुस्तक हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया, ये हमारा कर्ता हो गया, ये हमारी क्या होगी, क्रिया हो गई। फिर हमने क्या पढ़ा था, करण कारक। करण कारक में क्या होता है, जिस साधन के द्वारा हमारा कार्य पूरा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, करण कारक का शब्द कहलाता है। जैसे मैं बस से स्कूल आई, मेरा आने का काम किससे पूरा हुआ है, बस से, किससे हुआ है, बस से, तो करण कारक का प्रसंग चिन्ह क्या होता है, से या द्वारा। जैसे राम पेन के द्वारा अपना कार्य पूरा करता है, तो किस साधन के द्वारा उसका कार्य पूरा हुआ है, पेन के द्वारा हुआ है। क्लियर हो गया। उसके बाद में करण कारक के बाद में संप्रदान। संप्रदान में क्या होता है, इसमें के लिए, जिसमें कर्ता के लिए कार्य करता है। जैसे पिताजी मोहन के लिए मिठाई लेकर आए, काम करने वाले कौन है, पिताजी, किसके लिए लाए, मोहन के लिए, तो जो के लिए, मोहन हमारा संप्रदान का शब्द हो गया, पिताजी हमारा कर्ता हो गए। मिठाई हमारा क्या हो गया, क्या लाए, मिठाई। हमने क्रिया से क्वेश्चन किया क्या लाए, तो हमें आंसर क्या मिला, मिठाई, तो मिठाई हमारा क्या हो गया, कर्म, और लाए हमारी क्रिया हो गई। उसके बाद है हमारा अपादान।
अपादान में भी हमारा से प्रसन्न चिन्ह होता है, लेकिन इसमें अलग होने का भाव बताया जाता है। अलग होने का भाव, जैसे पेड़ से चिड़िया उड़ गई, पेड़ से चिड़िया उड़ गई। अब इसमें भी से आया है, लेकिन कौन सा, पेड़ से चिड़िया अलग हो गई है। तो अलग होने का भाव हमारा किसमें आता है, अपादान कारक में आता है। उसके बाद में हमारा क्या था, संबंध। संबंध में है, इसमें दो व्यक्तियों के बीच में संबंध होता है, दो वस्तुओं के बीच में भी संबंध हो सकता है, वो हमारे संबंध के होते हैं। और संबंध के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, का के की और रा रे री, का के की। जैसे उसका भाई राम उसका भाई है, किसका, हमने उस लगाया है, सर्वनाम शब्द लगाया, का हो गया। उसके चार भाई बहन है, के। उसकी बहन का नाम राधा है, तो की राधा है। इसमें का के किए शब्द हमारे किसमें आ गए, संबंध में आ गए। जैसे मेरा मेरा, रा रे री, मेरी मेरे, ये सारे शब्द हमारे संबंध बताते हैं कि यह मेरा घर है। तो मेरा और घर का संबंध बताया है, कौन सा शब्द, मैं और रा, रा हमारा, रा रे री का के की हमारा संबंध के शब्द हो गए। उसके बाद हमारा अधिकरण हो गया। अधिकरण कारक में हमारे प्रसन्न चिन्ह क्या लगता है, मैं और पर, मैं और पर में स्वेंड है। जैसे छत पर बंदर बैठा है, हमने उसमें क्या है, पर लगाया है, छत पर बंदर बैठा है। अब इसमें बंदर है हमारा क्या है, अधिकरण कारक का शब्द हो गया, छत हमारा अधिकरण कारक का शब्द। जैसे छत पर बंदर बैठा है, तो हमने क्या है, छत हमारा पर लग गया है, तो वो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह हो गया। उसके बाद संबोधन कारक है। संबोधन कारक में हम किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करते हैं, जैसे अरे अरे लड़कों इधर आओ, हमने किसको संबोधित किया है, लड़कों को संबोधित किया है। क्या, अरे लड़कों इधर आओ, लड़कियों तुम पढ़ लो, तो हमने किसको संबोधित किया है, लड़कियों को किया है। तो ये हमारे कारक के आठ भेद होते हैं, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध, का आगे की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, ये हमारे आठ भेद होते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर इसमें आता है समास वाला। समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना यानी उसको छोटा बनाना। दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, जैसे स्टूडेंट है गंगा का जल, अब ये शब्द है, हमने इसका शॉर्ट रूप क्या कर दिया, गंगा जल। क्लियर हो गया सर, ये का हमारा क्या था, विभक्ति चिन्ह था। जब हमने इसको क्या बनाया, समास पद बनाया, तो ये हमारा क्या है, जो विभक्ति चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है। और जब हम इसका समास विग्रह करते हैं इसमें, तो हम इसके बीच में हमारे क्या लगा देते हैं, विभक्ति के शब्द लगा देते हैं। क्लियर हो गया इसमें। अब इसके हमने क्या पढ़े थे, छह भेद पढ़े थे। सबसे पहला हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा था। अव्ययी भाव समास में क्या है, अव्यव का प्रयोग होता है, वे अव्यव जो इनका अलग से कोई रूप नहीं होता है, लेकिन किसी शब्द के साथ लग जाते हैं तो उनका अर्थ निकलता है। जैसे आजीवन यानी जीवन भर, अब हमने यहाँ पे आ हमारा क्या है, अव्यव हो गया, लेकिन हमारा अर्थ क्या ना निकल गया, भर, यानी जब तक मेरा जीवन है आजीवन मैं माता पिता की सेवा करूंगा, कि जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा। तो यहाँ पे हमारा आ से वैसे अलग से कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जीवन के साथ में लगते ही यानी उसका अर्थ निकल जाता है। तो ये हमारे क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। सेकेंड हमारा तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में हमारे क्या है, कारक की विभक्तियां लगा के हम उसका समास विग्रह करते हैं, जैसे का है, के लिए है, संप्रदान के लिए, जैसे है स्वयं, जैसे रसोई घर। रसोई घर में क्या है, इसे हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, रसोई के लिए घर, हमने के लिए संप्रदान की विभक्ति लगा दी है इसको विग्रह करने के लिए, यानी इसको विस्तृत रूप करने के लिए हमने क्या है, इसमें के लिए विभक्ति चिन्ह लगाया है। रसोई के लिए घर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रसोई घर कहलाता है। पाठ के लिए शाला होती है वो हमारी क्या कहलाती है, पाठशाला कहलाती है। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, यहाँ हमारा पर है, विभक्ति चिन्ह किसका लगा है, अधिकरण कारक का, यानी घोड़े पर सवार होता है,
अब हमें विभक्ति चिन्ह में और पर दो दिए होते हैं अधिकरण कार्य, लेकिन हमें उचित कौन सा होता है वही लगाना होता है। अब हम घोड़े पर सवार होता है, घोड़े में सवार नहीं होता, इसके लिए हमें सोच के लगाना पड़ता है कि विभक्ति चिन्ह यहाँ पे में आएगा या पर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसे। हम घोड़े में सवार नहीं होता है, हम घोड़े के ऊपर बैठते हैं ना कि घोड़े के अंदर बैठते हैं। तो घोड़े पर सवार क्या कहलाता है? घुड़सवार कहलाता है। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था तत्पुरुष के बाद में? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? इसे पूर्व पद और उत्तर पद दो होते हैं, फर्स्ट हमारा विशेष्य और विशेषण और विशेष्य का बोध होता है। विशेषण और विशेष्य में स्टूडेंट है, जैसे आपको महादेव दे रखा है, महादेव यानी हम इसका क्या करेंगे विक्रय, महान है जो देव। अब महान हमारा सबसे पहला क्या है? विशेषण बता दिया हमने, और देव हमारा क्या हो गया? विशेष्य, जो हमने उसमें पढ़ा था विशेषण में, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। तो महान उसकी विशेषता है, किसकी विशेषता है? देव की। तो महान है जो देव, वो क्या कहलाते हैं? महादेव कहलाते हैं। क्लियर हो गए सर? उसके बाद है इसमें विशेषण और विशेष्य का बोध होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? द्विगु समास पढ़ा था। द्विगु समास में क्या होता है? फर्स्ट पद हमेशा क्या होता है? संख्यावाचक होता है। फर्स्ट पद क्या होता है हमारा? संख्यावाचक होता है, और अन्य क्या है? समूह का बोध करवाते हैं। जैसे स्टूडेंट आपको दे रखा है नौ, पंचवटी, हम इसका समास विग्रह क्या करते हैं? पांच वटों का समूह। पांच हमारा क्या हो गया? फर्स्ट हमारा क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया, और वटों का समूह हमारा उत्तर पद हो गया। तो हमेशा क्या है द्विगु समास में क्या है? फर्स्ट शब्द आपका संख्यावाचक होता है, संख्या में आपका एक दो तीन चार पांच, हजार पांच सौ, कितने भी हो सकते हैं स्टूडेंट, और सेकंड हमारा समूह का बोध करवाया जाता है। तो जितने भी होते हैं, जैसे नवरात्रा है, तिराह है, त्रिनेत्र है, तो ये सारे शब्द हमारे किस में आते हैं? द्विगु समास में आते हैं। उसके बाद द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में है दोनों ही पदों की प्रधानता होती है, उत्तर पद हो चाहे पूर्व पद हो, दोनों की प्रधानता अपनी अपनी होती है, और दोनों के बीच में या तथा अथवा शब्द लग जाते हैं, या फिर हम उसको क्या करते हैं हटाते हैं तो योजक चिन्ह लग जाता है, यानी उसका समस्त पद बनाते हैं, तो एक बीच में डैश लगा होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे माता पिता है, इसमें दोनों ही पदों की प्रधानता है, माता की अपनी प्रधानता होती है, पिता की अपनी प्रधानता होती है, दोनों के बीच में हमारा क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह लगा हुआ है। अब जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हम क्या लगा दें? माता और पिता, माता और पिता, लाभ या हानि। अब लाभ की अपनी विशेषता होती है, लाभ अपनी जगह होता है, हानि अपनी जगह होती है, दोनों को हमने क्या समस्त विग्रह किया तो हमने क्या लगा दिया? लाभ या हानि, या शब्द लगा दिए, और जब हम या हटाते हैं तो इसके बीच में एक डैश लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा क्या था? बहुव्रीय समास। बहुव्रीय समास में क्या होता है इसे? जिसमें दोनों ही पदों की प्रधानता नहीं होती, लेकिन वो किसके लिए होता है? थर्ड पर्सन के लिए उपयोग होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, यानी भगवान शिव। हर व्यक्ति अगर नीला कंठ कर लेता है तो वो नीलकंठ नहीं कहलाता है, ओनली भगवान शिव है उन्हीं को हम नीलकंठ कह सकते हैं। क्लियर हो गया इसमें? जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, यानी भगवान श्री गणेश। तो हमने यहाँ पे किसके बारे में? लंबोदर किसके बारे में बात की है? श्री गणेश के बारे में बात की है, ठीक है ना। अगर हमने श्री गणेश के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के लिए कर रहे हैं, तो ये हमारा बहुव्रीय समास में आता है। और अगर हम कर्मधारय में करते हैं, लंबा है जो उधर, यानी जिसका पेट लंबा है, तो वो क्या कहलाता है? उसे लंबोदर कहलाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसे? जो या जिसका। लंबा है जो उधर, लंबा हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। उधर हमारा क्या हो गया? विशेष्य। हमने किसकी विशेषता बताई है? यहाँ पे लंबा, उधर की विशेषता बताई है। तो लंबा है जो उधर, हम थर्ड पर्सन की बात नहीं कर रहे, यहाँ लंबा और उधर की बात कर रहे हैं, तो हमारा कर्मधारय समाज में आ जाता है। और लंबा है उधर जिसका, यानी भगवान श्री गणेश, हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाता है? हमारा
बहुव्रीय समास में। तो ये मैंने आपको शॉर्ट रूप में आपको एक्सप्लेन किया है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट वीडियो भी आपने देखे हैं। अब सभी ध्यान से पढ़ना। ओके, थैंक यू।